So hello students, this is 15th unit of class 10th NCERT book. Now the first question says, the probability of an event E plus the probability of an event not E. मतलब किसी भी event के होने के chances और उसी event के ना होने के chances को अगर मैं add कर दूँ तो क्या answer आएगा. तो always remember this is going to be 1 because कभी भी कोई चांस होता है और नहीं होता है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूंगा तो हमेशा 1 आएगा. कंप्लीट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज लुक, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसके होने के चांसेस क्या हो सकते हैं. जो कभी नहीं हो सकता उसके चांसेस हमेशा जीरो रहेंगे और उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. ऐसा इवेंट जो पक्का है कि होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी. सर्टन का मीन्स होता है निश्चित है कि होने वाला है. वो कोई भी इवेंट अगर हम जानते हैं कि पक्का है होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज 1. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. नाउ हाउ इज दिस. एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं हमें पहले पता होना चाहिए. एलिमेंट्री इवेंट्स आर ऑल दैट इंडिविजुअल इवेंट्स दैट कैन हैपन व्हेन वी आर डूइंग पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉसिंग अ डाइस, अगर मैं किसी डाइस को उछालता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है. मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है. अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है. फॉर एग्जाम्पल 1 आया तो 1 के आने के चांसेस क्या होंगे, 1/6. 2 के आने के चांसेस भी 1/6 क्योंकि 2 एक ही बार होता है पूरे डाइस में. 3 अगर आएगा तो उसके चांसेस भी होंगे 1/6. 4 आएगा तो उसके भी होंगे 1/6. 5 के भी 1/6. 6 के भी 1/6. नाउ हाउ इज दिस हैपनिंग इज वी नो द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. हाउ, बिकॉज आउट ऑफ 6 आउटकम्स मेरे पास 1 एक ही बार शो हो सकता है डाइस में. तो जब एक ही बार शो हो सकता है तो उसके आने के चांसेस क्या होंगे, 1. अगेन आउट ऑफ 6 आउटकम्स मेरे पास 2 कितनी बार शो हो सकता है, एक ही बार. 3 भी एक बार, 4, 5, 6 सब एक बार. अगर इन सब को मैं ऐड कर देता हूं, ओके, सो दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स, सिंगल इंडिविजुअल इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 एक एलिमेंट्री इवेंट होगा. 2 के आने की बात कर रहा हूँ, 2 एक एलिमेंट्री इवेंट होगा. 3, 4, 5 ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं फॉर थ्रोइंग अ डाइस. अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 6/6, दैट इज गोइंग टू बी 1. सो ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी 1. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन or equal to 0 or less than or equal to 1. Now how is this is, हमने बोला कि कोई भी इवेंट अगर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, impossible है उसका होना, तो उसकी probability क्या होगी, 0 होगी. तो ये हमें पक्का है कि इससे ज़्यादा तो कोई भी हो ही नहीं सकता, इससे कम तो हो ही नहीं सकता. 0 तो maximum limit है कि impossible event है तो 0. अगर possible event है तो उसकी probability हमने बोली श्योर. और इसके अलावा जो चांसेस निकलते हैं हमेशा, फॉर एग्जाम्पल हमने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पे कुछ ना कुछ आउटकम आएगा ये पक्का है, दैट इज व्हाई इट इज 1. अगर मैं डाइस थ्रो करूं और मैं ये बोलूं कि नहीं डाइस में से 7 आ जाएगा तो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. 7 कभी नहीं आ सकता. क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है. तो अगर ये अगर मैं देखूं तो ये 1 और 0 के बीच में लाया करता है, ये सब के सब 1 और 0 के बीच में लाया करते हैं. तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी या फिर 1 से
छोटी होगी और 1 के इक्वल भी हो सकती है. दैट्स इट.